काफी सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि ट्रेनिंग कैंप में क्या होगा। जय हिंद। काफी सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि ट्रेनिंग कैंप में क्या होगा। सो क्वेश्चन बेसिकली क्वेश्चन इज व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अ ट्रेनिंग कैंप। देखो, ट्रेनिंग कैंप कोई रेगुलर ट्रैकिंग कैंप तो नहीं है। सो ट्रेनिंग कैंप का शेड्यूल हम अगर अभी से आपको बता देंगे सो यू विल बी मेंटली रेडी, और वो सरप्राइज वाला जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको डे टू डे शेड्यूल तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ओवरऑल ये बता सकता हूँ कि ट्रेनिंग कैंप में आपके साथ क्या क्या होने वाला है। सो सबसे पहले जब आप कैंप साइट पर पहुँचेंगे तो हम आपका वेलकम करेंगे। इट्स अ काइंड ऑफ रिसेप्शन प्रोसेस जहाँ पर आप आपका बॉन्ड फिल करेंगे, आपने जो रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह जो कुछ सबमिट किए उसका सारा वेरिफिकेशन वगैरह होगा, और उसके बाद आपका खाना लगेगा। आफ्टर दैट हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे ऑर्गेनाइजेशन का, इनविंसिबल की एक्टिविटीज़ क्या क्या है, किस किस तरह से इनविंसिबल वर्क कर रहा है, ये वगैरह चीज़ों के लिए सेशंस चलेंगे। बाकी के जो तीन दिन है दैट इज़ हार्ड कोर ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस के रिलेटेड ट्रेनिंग होगी। आपका फिजिकल फिटनेस बनाने के लिए हम आपको अलग अलग तरह की एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, अलग अलग तरह की पनिशमेंट्स वगैरह देंगे। सेकेंड इज़ अबाउट टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि नॉट्स कैसे यूज़ करते हैं, क्लाइंबिंग के इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं, टेंट को कैसे पिच करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम आपको ऑन हैंड एक्सपीरियंस देंगे। पहले हम आपको डेमो देंगे और उसके बाद हम आपसे वो एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, आप खुद वो टेंट लगाएंगे, आप खुद वो कैरेबिनर वगैरह चीज़ें यूज़ करेंगे, तो सारा इक्विपमेंट किस तरह से यूज़ करना है उसकी ट्रेनिंग आपकी होगी। थर्ड इज़ अबाउट योर वेल टू डू, मतलब कि आपका डिसिप्लिन और आपका वे ऑफ वर्क जो है इसके ऊपर हम काफ़ी फोकस करेंगे। देखिए, कैंपिंग में वर्क करने वाले लोग वो ऐसे वैसे इररिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो सकते हैं। दिस पीपल आर वेरी डिसिप्लिन एंड ऑबिडियंट पीपल, सो वी हैव अ सेट ऑफ क्वालिटीज़, वी कॉल दैम इंस्ट्रक्टर लाइक क्वालिटीज़। ये जो इंस्ट्रक्टर लाइक क्वालिटीज़ हैं वो आप तक पहुँचाने के लिए सारी वो चीज़ें एक्टिविटीज़ जो हमने प्लान की हैं वो हम आपसे करवाएंगे। सो सम ऑफ देम आर वेरी फनी एक्टिविटीज़, सम ऑफ देम आर गेम्स, and some of them are punishments. So punishments is official at Invincible. कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा during the whole training camp. But अगर आप कुछ गलती करते हैं तो हम आपको छोटा रिचार्ज देंगे. And what is छोटा रिचार्ज? That is 20 push-ups, है ना? So it is very much needed. Overall ये training camp इस तरह से design किया गया है जिस तरह से army या फिर military forces अपने जवान को train करते हैं. और आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि जितना ज़्यादा पसीना आप बहाओगे ट्रेनिंग में उतना ही खून कम बहेगा बॉर्डर पे, है ना? ऐसा एक कहावत है आर्मी में। सो ये यहीं पर भी एप्लीकेबल होता है, जितनी अच्छे से आप ट्रेनिंग करेंगे उतना ही कम तकलीफ आप होगी जब आप कोई कैंप को लेके कोई हाई एल्टीट्यूड पे या कोई एक्सपेडिशंस पे जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू मस्ट एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कैंप। इट विल बी फिजिकली रिग्रस कैंप, बी रेडी फॉर दिस, है ना? आपके घुटने, आपके एल्बोज वगैरह छिलने वाले हैं, यू विल बी एक्सपोज टू द हार्श सनलाइट एंड कोल्ड टेम्परेचर्स, सो आपके नाक वगैरह चीज़ें जलने वाली है, थोड़ा बहुत सनबर्न वगैरह होने वाला है। एंड अगेन यू विल नॉट बी स्टेइंग इन अ लाइक एयर कंडीशनड रूम्स, एंड यू विल नॉट बी हैविंग वेरी गुड कम्फर्टर्स एंड ब्लैंकेट्स, है ना? सो यू विल बी स्टेइंग इन टेंट्स, तो वो भी एक काइंड ऑफ रफ एंड टफ एक्सपीरियंस आपके लिए होने वाला है। द ट्रेनिंग कैंप इज़ बींग कंडक्टेड इन अ एटमोसफियर की जिसको आप फॉरेस्ट बोल सकते हैं, वी आर जस्ट इन आउटस्कर्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, सो वहाँ पर बाकी वाइल्ड लाइफ वगैरह चीज़ों का भी रिस्क रहता है। तो जो भी लोग इस ट्रेनिंग कैंप में आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि दैट विल बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ इनविंसिबल सीनियर टीम एंड सीनियर वॉलंटियर्स एंड दिस सर एंड मैडम्स, सो ये नहीं होने वाला है, है ना? इट विल बी अ नाइटमेयर फॉर यू, इट विल बी अ वेरी हार्ड एक्सपीरियंस फॉर यू। बट यस, ये जितने भी हार्ड एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो एंड ऑफ द जर्नी आपको एक बहुत ही अच्छा आउटपुट देते हैं। वो कहता है ना कि The beautiful views always come after the hardest climb. So वैसे ही जितना tough training होगा उतना ही tough bonding आपका होगा बाकी participants के साथ, और उतनी मजे आप करेंगे जब आप camp में as a volunteer जाएंगे। Thank you. जय हिंद।